आई नो आप सब लोग मुझे देखकर ना जल भुन कर राख हो रहे होंगे, लेकिन क्या करें, काम ही ऐसा है ना कि खाना पड़ रहा है ये सब। वेल, जन भूल के राख तो हो रही है नीति भी, क्योंकि परी और राजीव का संगीत का फंक्शन जो हो रहा है, तो ऐसा करते हैं थोड़ी जलन कम कर देते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम उनको खिला कर आते हैं। अबीरा, मेरी शादी है ना, तो ये हमारे घर के मेहमान है। भले ही मेहमान इज्जत के लायक ना हो, पर हम इज्जत जरूर देंगे। पंडित जी, आप मंदिर चालू कीजिए। चलिए अभी। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो भाई एक कोई किसी से नहीं छीन सकता है। अब जब ऊपर वाले ने अबीर की जिंदगी में नीरजा का नाम लिख दिया है, उनकी जोड़ी ऊपर से ही बनकर आई है, तो कोई भी त्रिशा वृषा बीच में आकर इन्हें नहीं जुदा कर सकती है। हुआ वही जो पहले भी हुआ था, नीरजा और अबीर की यूं तो पहले भी शादी हो चुकी है, ये सभी घर वाले भी मानते हैं। वो अलग बात है कि अबीर की तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, लेकिन आज वो अपने होशो हवास में है और उसने शादी कर ली है नीरजा से। मेरी जिंदगी की एक दुविधा नीरजा, अबीर सडनली नीरजा को लेकर आ जाता है शादी करके, एंड त्रिशा या तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि नीरजा आ जाएगी और अबीर और नीरजा की शादी हो जाएगी। तो त्रिशा के लिए बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा भी है, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी अपसेट क्योंकि अबीर ने उसको धोखा दिया है एंड अबीर नीरजा के पास चला गया है। मंडप में त्रिशा दुल्हन बनकर इंतजार कर रही थी कि अबीर अब आएगा, उसकी मांग भर देगा। अब चौखट पे जब नीरजा और अबीर को त्रिशा ने देखा, साथ ही पूरे घर वालों ने भी, और उसके बाद नीरजा की मांग भरी हुई, तब भी थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा घबराहट हुई त्रिशा को। अभी फिलहाल तो अबीर और त्रिशा, एज ऑफ नाउ त्रिशा तो बहुत अपसेट है एंड वो कन्विंस कर रही है अबीर को कि अबीर वापस मेरे पास आ जाए एंड मुझसे शादी कर ले, बट अबीर ने अपना दिमाग बना लिया है कि वो नीरजा से ही शादी करेगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, त्रिशा क्या करती है अबीर को वापस अपने पास लाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। अबीर ने जब पूरे घर वालों को ये कह दिया कि उसने नीरजा से शादी कर ली है, उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है, ये सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जो सच है वो सच है। मेरी मांग में सिंदूर भरो, अपने चेहरे पे ये कीचड़ नहीं। राइट, अभी क्योंकि सबके लिए बहुत न्यू है, सब लोग सडन हुआ कि अबीर सडनली नीरजा से जाके शादी करके आए, क्योंकि सबको भरोसा था कि जो अबीर को बोलेंगे उसके फैमिली वाले, अबीर सुन लेगा, बट अबीर ने पहली बार एक खुद के लिए स्टेप लिया है और वो नीरजा से शादी करने के लिए गया है, तो सबके लिए बहुत शॉकिंग रहा है। तो इससे सब लोग एक डिनायल में है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी भी अबीर हमारा बेटा है, अभी भी अबीर ने सोनागाची की लड़की से शादी नहीं की है, बिकॉज सोनागाची इज़ अ बिग वर्ड, तो किसी को भी ऐसे बहू एक्सेप्ट करना ऐसे बड़े घर में इज अ बिट डिफिकल्ट, तो वो लोग डिनायल में। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब नीरजा और अबीर की पहली बार शादी हुई थी, उस वक्त तो अबीर की माँ नीरजा को बहुत पसंद कर रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि वो नीरजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, उसे खरी खोटी सुना रही है। ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से अबीर जाके नीरजा से शादी करके आ जाता है, और ये हम सब के लिए बहुत बड़ा शौक है क्योंकि हम सबको नीरजा की असलियत का पता चल चुका है, हमें पता है वो कैसी है, कहाँ से है, और हम इसे कोई नहीं चाहता था कि वो यहाँ इस घर की बहू बने, लेकिन अबीर उसे लेकर घर में आ गया है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा शौक है हम सबके लिए। अब जो हो गया सो हो गया, इस घर में नीरजा बहू बनकर आ गई है। अब नीरजा का सफ़र इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब त्रिशा है ना,
वो खलनायिका का किरदार निभाएगी और पल पल नीरजा का जीना दुश्वार कर देगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।